तो दोस्तों आज की यहाँ पे सबसे बड़ी खबर सामने निकल के आई है, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को ट्विटर पर यह कहकर सबको चौंका दिया है कि वह विचार कर रहे हैं कि रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि ट्विटर फेसबुक को छोड़ दे। उन्होंने लिखा है दोस्तों, फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर इस रविवार को सोशल मीडिया अकाउंट छोड़ने की सोच रहा हूँ। हालांकि दोस्तों अभी तक प्रधानमंत्री की ओर से यह साफ नहीं किया जा रहा है कि उनके इस फैसले के पीछे क्या वजह है, लेकिन दोस्तों हम सभी जैसे कि जानते हैं कि पीएम मोदी सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बाद ट्विटर पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले नेता है नरेंद्र मोदी। ट्विटर पर नरेंद्र मोदी जी के 5,33,00,000 फॉलोअर्स है, वहीं फेसबुक पर नरेंद्र मोदी जी के 4,04,00,000 फॉलोअर्स है, और अगर मैं बात करूँ आपसे इंस्टाग्राम की तो नरेंद्र मोदी के 3,52,00,000 फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे है। दोस्तों यहाँ पे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि हाल ही में फेसबुक और गूगल के साथ डाटा और तमाम कई तरह की व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर हुए विवाद के बाद यह मांग उठ रही थी कि भारत के पास भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होने चाहिए। तो दोस्तों ये भी एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से पीएम नरेंद्र मोदी जी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को छोड़ रहे हैं। दोस्तों वही दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि अगर ऐसी कोई भी बात होती तो पहले से ही सूचना दे दी जाती। वही दोस्तों मैं आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार गोपनीय सरकार के नाम से भी जानी जाती है। कई फैसले ऐसे लिए गए जिनकी भनक पहले से किसी को भी नहीं थी, जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक, नोटबंदी, ये ऐसे बड़े फैसले थे जिनकी भनक पहले से भी किसी को नहीं थी। तो दोस्तों इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को छोड़ने के पीछे कोई बड़ा कारण हो सकता है। अगर दोस्तों नरेंद्र मोदी कोई भी इसके बारे में जवाब देते हैं तो हमारी तरफ से आपको सबसे पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए।